देखिए ये जो हम काम कर रहे हैं आप ही के लिए तो है, आपके भविष्य के लिए। नहीं, अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल को कॉलेज में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए क्या? हैं? सर पे छत तो चाहिए ना, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं चाहिए क्या? कैसे होगा विकास बताइए। सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट? व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ? फ्रेश एयर, फ्रेश फूड एंड फ्रेश वाटर। और जंगलों को काटने से ये तीनों और मुश्किल होता जा रहा है। जीवन जीने की बेसिक जरूरतें खत्म करके ये डेवलपमेंट किसके लिए करना चाहते हैं? बेटा कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं आप? हमको भी ऐसे बढ़िया स्कूल में जाने को मिला होता तो आज हम भी अंग्रेजी लेकिन शायद हम मिनिस्टर नहीं होते भाई। हाँ, तो आपकी बात का जवाब यह है कि देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। विकास कार्य करना है तो छोटी मोटी आहुतियां देनी पड़ती है। सर, आप सांस लेते हैं? सांस? हाँ, सांस, हाँ, वो बाबा लोगों की तरह नहीं लेकिन जैसे साधारण इंसान लेता है वैसे तो सांस लेते हैं बेटा, सबको लेनी पड़ती है। आप सांस में ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन बेटा इतना तो हमको पता है सर इतना तो हमें भी पता है कि जीने के लिए सर पर छत चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना। जंगलों और पेड़ों के कटने से हम कुछ नहीं बहुत कुछ खो रहे हैं, और दिल्ली जैसे महानगरों में जो पोल्यूशन से नुकसान हो रहा है ना, वो आपके सामने ही है। सो बेसिकली द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन मॉनसून, एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ मॉनसून डिपेंड्स ऑन ट्रीज एंड जंगल्स। मॉनसून ब्रिंग्स गैलन्स ऑफ वाटर एवरी ईयर, लेकिन बादलों को रोक कर पानी जमीन तक लाने का काम तो पेड़ और पौधे ही करते हैं। सर, पेड़ और जंगल कटने के कारण ही बादल कई कई जगह पानी नहीं दे पाते, और पानी नहीं दे पाते तो सूखा पड़ जाता है, और उसी के कारण किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। कई कई जगह तो बादल फटने के कारण तबाही मच जाती है। सर, इन पेड़ पौधों से ही तो हम है, ये हमसे कुछ नहीं लेते मगर फिर भी हमें सब कुछ दे रहे हैं। आदमी से ज्यादा तो हम इनके भरोसे हैं। ये जंगल कितने उदार होते हैं ना, हमसे बिना कुछ मांगे हमें जीवन दे रहे हैं। सर, देयर इज अ कोटेशन सेट बाय आवर नेशनल फादर महात्मा गांधी दैट अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सैटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। सर, या तो हमें डेवलपमेंट का कंसेप्ट ही चेंज करना होगा, या हमें डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस लाने की जरूरत है। एक मिनट मंत्री जी, बच्चों एक मिनट, भाइयों और बहनों,